स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले शो शौर्य और अनोखी की कहानी में अब शान से विनती करती नजर आएगी अनोखी। जी हाँ, सही सुना आपने कि इस बार अनोखी रिक्वेस्ट करने वाली है शान से कि वो आस्था को सबरवाल हाउस वापस ले आए। शान तो खुद भी चाहता है कि आस्था घर वापस लौट आए, लेकिन आस्था की सेल्फ रिस्पेक्ट उसे रोक रही है। कहीं ना कहीं अपनी जगह सही भी है आस्था। जो कुछ भी इतने सालों तक उसके साथ हुआ है, उसके बाद इतनी आसानी से सबरवाल हाउस लौट आना आस्था के लिए बहुत मुश्किल है। इसीलिए अनोखी ने शान से रिक्वेस्ट की है कि वो पूरी रिस्पेक्ट के साथ और सारी सच्चाई परिवार वालों को बताते हुए आस्था को घर वापस लेकर आए। अब शान के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि वो देवी का सच कैसे सबको बताए। जो कुछ भी आज तक देवी ने शान और आस्था को अलग करने के लिए किया है, अगर वो बात पूरे परिवार को पता चली तो परिवार बिखर जाएगा, स्पेशली शौर्य और देवी का रिश्ता। लेकिन ऐसा होना ज़रूरी है, क्योंकि तभी देवी अपनी हरकतों से बाज आएगी। इसीलिए अनोखी के हाथ जोड़ने के बाद शान मजबूर होने वाला है और आस्था को रेस्पेक्ट के साथ वापस लाने वाला है, और साथ ही साथ देवी का पर्दाफाश करते हुए भी आप शान को देखेंगे। तो इंतजार रहेगा सीरियल शौर्य और अनोखी की कहानी में आने वाले इस हाई वोल्टेज ड्रामे को देखने का। शादी के बाद अनोखी के कदम सबरवाल हाउस में पड़ते ही आस्था की एंट्री हो रही है, यानी कि कहीं ना कहीं अनोखी के शुभ कदम साबित होने वाले हैं सबरवाल्स के लिए। तो इंतजार रहेगा शो में आने वाले इन सभी हाई वोल्टेज ड्रामों को देखने का।